अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल फ्लोर कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल विल बी फाइन। प्लीज़ ओपन योर उर्दू बुक पेज नंबर 68। बच्चों, सबसे पहले हम इसके देखेंगे कि पोइम जो है वो किसने राइट की है। ये इस्माइल मिर्ठी ने राइट की है और इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी। लेट्स स्टार्ट। एक जुगनू और बच्चा नज़म जो है ये मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी हिंदुस्तान के एक शहर मेरठ में पैदा हुए। इस ज़माने में मुसलमान बच्चों को उर्दू के अलावा अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। मुसलमानों में अंग्रेज़ी पढ़ाने का रिवाज बहुत कम था। उर्दू के लिखने वाले अपनी तहरीरों में अरबी और फारसी के इतने अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि उनकी तहरीरें लोगों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बहुत मुश्किल हुआ करती थी। इस्माइल मिर्ठी ने भी फारसी और अरबी ज़बानें पढ़ी थीं, बल्कि ये ज़बानें उन्होंने पढ़ाई भी थीं, मगर उन्होंने अपनी तहरीरों में मुश्किल फारसी और अरबी अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि आसान और बोल चाल की उर्दू ज़बान में लिखना पसंद किया। उन्होंने देखा कि उर्दू के सब लिखने वाले सिर्फ बड़ों के लिए लिखते हैं, बच्चों के लिए आसान ज़बान में कहानियाँ और नज़में वगैरह कोई नहीं लिखता। ये देखकर उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू में पहली बार आसान दरसी किताबें लिखीं और अच्छी अच्छी नज़में लिखीं, जिनमें से एक नज़म जुगनू और बच्चा है जो हम अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए उन्होंने जो दूसरी मशहूर नज़में लिखी हैं वो हैं दाल की फरियाद, शेर, कौवा। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। एक जुगनू और बच्चा। अल्फाज: अंधेरी, बरसात, समा, भाना, इल्तिजा, दम, वाकफियत, आँच, जांच, कारीगरी, ज़र्रा, आफ्ताब, अल्लड़पना, पायमाल, मुहावरे, हाल खुलना, आदमी की सी चाल। हम पोएम स्टार्ट करते हैं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, के वो रात अंधेरी थी बरसात की, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियाँ। पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर, चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। वो झिमझिम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता ना पाया मगर, तो गमगीन कैदी ने की इल्तजा के छोटे शिकारी मुझे कर रिहा, रिहा मीन आज़ाद, खुदा के लिए छोड़ दे, छोड़ दे, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। बच्चा जो है वो उसको क्या जवाब देता है? करूँगा ना आज़ाद उस वक़्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। जुगनू ने उसको क्या जवाब दिया फिर? चमक मेरी दिन में ना देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। फिर बच्चे ने क्या जवाब दिया? अरे छोटे कीड़े ना दे दम मुझे, कि है वाकफियत अभी कम मुझे, उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल, कि इतने से कीड़े में है क्या कमाल, धुआं है ना शोला ना गर्मी ना आँच, चमकने की तेरे करूँगा मैं जांच। जुगनू ने क्या जवाब दिया फिर? ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, के जर्रे को चमकाए जू आफ्ताब, मुझे दी है इस वास्ते ये चमक कि तुम देखकर मुझको जाओ ठिठक, ना अलड़ पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। अब हम इसके अंडरलाइन वर्ड्स देखते हैं। अंधेरी, चिंगारियाँ, झटपट, झिमझिम, गमगीन, कैदी,
इल्तिजा, वाकफियत, धुआं, शोला, आंच, चमकने, कुदरत, कारीगरी, जनाब, चमकाए, आफताब, वास्ते, ठिठक, अल्लड़, पायमाल, संभल। बच्चों आपने इसकी रीडिंग करनी है और मुश्किल वर्ड्स को राइट करके देखना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये स्टूडेंट्स काइंडली प्रैक्टिस इट, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।